Students, I am Vaishali, English language trainer, and welcome to my YouTube channel, New Earth Computer Classes. So, आइए students, आज हम सीखते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डेली यूज सेंटेंस सीखेंगे. डेली यूज सेंटेंस जो अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो हम हिंदी में यूज करते हैं, तो उन्हीं सेंटेंसों को आज हम इंग्लिश में सीखेंगे. पर उससे भी पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी जितनी भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल, सो प्लीज वॉच इट टिल लास्ट. लेट्स स्टार्ट. देखिएगा, यूजफुल शॉर्ट सेंटेंस में हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है टॉक पोलाइटली. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा टॉक पोलाइटली. टॉक पोलाइटली मीन्स नम्रता से बोलो, किसी से कहना है भाई आराम से बोलो, यानी नम्रता से बोलो, तो हम बोलेंगे उसको टॉक पोलाइटली. ठीक. एंड सेकेंड हमारा बिहेव योर सेल्फ. बिहेव योर सेल्फ मीन्स किसी से कहना व्यवहार सुधारो, तो हम क्या बोलेंगे, बिहेव योर सेल्फ. ठीक. थर्ड हमारा पवन हैज गॉन. आपसे यूज करते हैं कितनी लाइट चली गई, लाइट चली गई, पवन हैज गॉन. ओके. एंड फोर्थ हमारा डू इट अगेन, किसी से कहना है दोबारा करो, दोबारा करो इसे, तो हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में, डू इट अगेन, डू इट अगेन, इसे दोबारा करो. ठीक है. फाइव हमारा इट मे बी, किसी भी चीज में हम संभावना बताते हैं, हो सकता है भाई, हो सकता है, यानी इट मे बी, या बोलो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, या फिर इट मे बी, यानी हो सकता है, तो बोलेंगे हम इट मे बी, हो सकता है. एंड सिक्स हमारा प्लीज टर्न द फैन अप. ठीक है भाई, कहना भी पंखा खोल दो या पंखा चला दो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज टर्न द फैन अप, प्लीज टर्न द फैन अप, पंखा चला दो. ठीक है. एंड बनकर मैं प्लीज टर्न द फैन डाउन. देखिएगा, सेवन एट टेक आउट द मैंगो फ्रॉम फ्रिज. फ्रिज से हमें मैंगो निकलवाने, ठीक है, हमें मैंगो बाहर निकलवाने, हम क्या करेंगे, टेक आउट द मैंगो फ्रॉम फ्रिज, फ्रिज से मैंगो निकाल लाओ. यहाँ मैंगो की जगह आप जो भी है कुछ भी ऐड कर सकते हो. आइस बोला है टेक आउट द आइस फ्रॉम फ्रिज, फ्रिज से बर्फ निकाल लाओ. ठीक है. एंड एप्पल है, देखो टेक आउट द एप्पल फ्रॉम फ्रिज, फ्रिज से सेब निकाल लाओ. ओके. नेक्स्ट है हमारा, अब ये तो हमने निकलवाने की वाली बात हो गई, हमें रखवाना है, रखवाना है तो कैसे बोलेंगे, पुट द मैंगो इन टू द फ्रिज, पुट द मैंगो इन टू द फ्रिज, फ्रिज में मैंगो रख दो. रखने के लिए हम यहाँ पुट का यूज करेंगे, निकालने के लिए हम यहाँ पर टेक आउट का यूज करेंगे. ठीक है, पुट द मैंगो इन टू द फ्रिज. ओके. नाइन है हमारा कम वॉट मे, कम वॉट मे का यूज है हमारा, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, अक्सर कहते हैं चाहे जो भी हो, यानी कम वॉट मे, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हम इसको बोलेंगे कम वॉट मे आई एम विद यू, चाहे जो भी हो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कम वॉट मे. ठीक है. टेंथ हमारा स्पीक अप या स्पीक आउट, किसी से कहना भी तेज बोलो, तेज बोलो, तो हम क्या बोलेंगे उसको, स्पीक अप, स्पीक अप बोल लीजिए या स्पीक आउट बोल लीजिए, दोनों का ही मीनिंग वही है, तेज बोलो, तेज बोलने के लिए हम बोलते हैं स्पीक अप या स्पीक आउट. ओके. एंड देखिए इलेवन है हमारा कम अप द स्टेयर्स, कम अप द स्टेयर्स, हमें किसी से कहना है ऊपर आ जाओ, यानी सीढ़ी से ऊपर बुलाना है, तो हम क्या बोलेंगे कम अप द स्टेयर्स, यानी ऊपर आ जाओ, हम ऊपर खड़े हैं, कोई नीचे खड़ा है, हमारा दोस्त जीने से नीचे, हमें उसको ऊपर बुलाना है, तो हम क्या बोलेंगे भाई कम अप द स्टेयर्स, मीन्स ऊपर आ जाओ. ठीक है, ऊपर आना, आने के लिए कम बोल दिया, ऊपर के लिए अप बोल दिया, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ी से ऊपर आ जाओ, तो कम अप द स्टेयर्स. इसी से रिलेटेड है सेकंड, देखिए हमारा कम डाउन द स्टेयर्स, कम डाउन द स्टेयर्स मीन्स नीचे आ जाओ, अब हमें उसको नीचे बुलाना है, हम नीचे खड़े हैं, हमारा फ्रेंड ऊपर है, हमें ऊपर वाले को नीचे लाना है, जो जीने तो ऊपर है उसको नीचे बुलाना है, तो हम इस तरह से बोलेंगे कम डाउन द स्टेयर्स, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ मतलब कम डाउन द स्टेयर्स. ओके. देखिए रिलेटेड है इसी से गो अप द स्टेयर्स, गो अप द स्टेयर्स, यहाँ गो मतलब जाना. ठीक है, अप मीन्स ऊपर, अब हमें किसी से कहना है ऊपर जाओ. ठीक है, टू फ्रेंड्स से आप दोनों ही नीचे खड़े धीरे से, एक को ऊपर भेजना है, जब ऊपर जाओ, ऊपर जाने के लिए हम बोलेंगे गो अप द स्टेयर्स. ठीक है, गो मीन्स जाना, मीन्स ऊपर, यानी ऊपर जाओ, तो गो अप द स्टेयर्स. एंड हमारा 14 है गो डाउन
ओके ये फोर है, फोर सेंटेंस है माने साधु है रिलेटेड है एक दूसरे से। यहाँ कम के साथ आप लगाएंगे फिर गो के साथ आप, ऐसे ही कम के साथ डाउन लगाएंगे फिर गो के साथ डाउन। बट आपको यह याद रखना है ऊपर आना है या जाना है तो कम और गो को आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से आप बुला रहे हो या उसको भेजना है तो आप गो डाउन का यूज करेंगे। 15 हमारा टेक इट इजी, टेक इट इजी मतलब आराम से, किसी से कहना भाई आराम से, ठीक है। तो हमने बोली टेक इट इजी आराम से। एंड 16 है एनी कंसर्न टू यू, एनी कंसर्न टू यू तुम्हें कोई मतलब, अक्सर हम बोलते हैं तुम्हें कोई मतलब, तो हम कैसे बोलेंगे एनी कंसर्न टू यू, एनी कंसर्न टू यू आपको कोई मतलब, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे any concern to you, okay? 17 है हमारा what is the date today? अक्सर हम बोलते हैं आज तारीख क्या है, आज क्या तारीख है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे what is the date today? What is the date today? आज तारीख क्या है तो what is the date today? And 18 है हमारा same on you का मतलब है अपने आप पर चालू करो, same on you अपने आप पर चालू करो, किसी से कहना है अपने आप पर चालू करो, तब उसको इंग्लिश में बोलेंगे सेम ऑन यू, ओके सेम ऑन यू, क्या वाज इट। 19 है हमारा टॉक टू मी, टॉक टू मी मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, अक्सर होता है कोई भी पर्सन बात कर रहे होते हैं लेकिन हम बात कर रहे होते हैं उसका ध्यान कहीं और चला जाता है, कोई और उससे आकर बात करने लगता है, अब हमें उससे कहना है मुझसे बात कर, मुझसे बात करो यानी टॉक टू मी, ओके टॉक टू मी, आज से आप इंग्लिश में बोलना टॉक टू मी मुझसे बात करो, राइट। 20 है हमारा डोंट बी प्राउडी, डोंट बी प्राउडी घमंडी मत बनो, किसी से कहना भी घमंडी मत बनो, डोंट बी प्राउडी। एंड 21 है हमारा सिट बिफोर मी, सिट बिफोर मी मतलब पहले आप बैठिए, अक्सर हमें हमारे से बड़े जो भी हैं टीचर से एल्डर्स होते जो भी हैं उनसे अगर हमें कहना है पहले आप बैठिए ना, पहले आप बैठिए, तो पहले आप बैठिए इसको हम बोलेंगे सिट बिफोर मी, ठीक है। सिट बिफोर मी मतलब यहाँ जो मीनिंग है वो ये निकल रहा है मुझसे पहले बैठिए, मुझसे पहले बैठिए मतलब पहले आप बैठिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे सिट बिफोर मी, पहले आप बैठिए, किसी से कहना है तो बोलेंगे सिट बिफोर मी, ओके। एंड लास्ट है हमारा 22 थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो, तो हम इसको बोलेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक मतलब बोलने से पहले सोचो, ठीक है, बोलने से पहले सोचो, हम कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में थिंक बिफोर यू स्पीक। देखिए यहाँ पे 20+ शॉर्ट सेंटेंस है जिनको हम काफी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में बहुत हम ये हिंदी में यूज करते हैं, बट आज से आपकी वीडियो देखने के बाद हिंदी में नहीं बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे। फिर से देखिए टॉक पोलाइटली नम्रता से बोलो, बिहेव योर सेल्फ अपना व्यवहार सुधारो, पावर हैज गॉन लाइट चली गई, डू इट अगेन इसे दोबारा करो, इट मे बी हो सकता है, प्लीज टर्न द फैन ऑफ पंखा चला दो, टेक आउट द मैंगो फ्रॉम फ्रिज फ्रिज से मैंगो बाहर निकाल लो, ठीक है याद रखना है बाहर निकालने के लिए हमने टेक आउट का यूज करना है, एंड पुट द मैंगो इन टू द फ्रिज यानी फ्रिज में मैंगो रखवाना है, अब रखवाने के लिए हम बोलेंगे पुट, ठीक है। एंड 9 है हमारा कम व्हाट मे, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो या इसका यूज आप कैसे बोलेंगे कम व्हाट मे, यहाँ आप ग्रामर से नहीं निकालना इसका अर्थ की कम मिस हो गया आना व्हाट मिस हो गया क्या, इस तरह से हम इसकी इंग्लिश नहीं निकाल हिंदी नहीं निकालेंगे, हम पूरे को ही बोलेंगे कम व्हाट मे हो चाहे जो भी हो। एंड 10 हमारा स्पीक अप या स्पीक आउट, स्पीक अप या स्पीक आउट तेज बोलो, कम अप द स्टेयर्स ऊपर आ जाओ, कम डाउन द स्टेयर्स नीचे आ जाओ, गो अप द स्टेयर्स ऊपर जाओ, एंड गो डाउन द स्टेयर्स नीचे जाओ, यहाँ गो और कम एंड अप डाउन का ध्यान रखना है आपके लिए, यही नोटिस पॉइंट है चार सेंटेंस में। एंड 15 है हमारा टेक इट इजी आराम से, टेक इट इजी यानी आराम से, एनी कंसर्न टू यू आपको कोई मतलब, एंड व्हाट इज द डेट टुडे आज तारीख क्या है, सेम ऑन यू अपने आप पे शर्म करो, टॉक टू मी मुझसे बात करो, डोंट बी प्राउडी घमंडी मत करो, सिट बिफोर मी पहले आप बैठिए,
थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। तो इस तरह की जो हमारी 20 प्लस सेंटेंसेस और सेंटेंस होगा लुक अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लुक अहेड मीन सामने देखो, किसी से कहना है सामने देखो तो हम क्या बोलेंगे, लुक अहेड, लुक अहेड। ओके, एंड 24 इज नॉट अ बिट, इतना सा भी नहीं। 24 हमें कहना है भी इतना सा भी नहीं, नॉट अ बिट, ठीक है ना, नॉट अ बिट, इतना सा भी नहीं। एंड 25 है नेवर माइंड, नेवर माइंड कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अक्सर हम कहते हैं कोई चीज गिर जाती है, ढूंढने ना ढूंढने के बाद मिल जाती है, मतलब कोई बात नहीं करेंगे हम, बोलेंगे इसमें नेवर माइंड। ओके, क्या बोलेंगे, नेवर माइंड। एंड 26 है हमारा से इट अगेन, से इट अगेन, इसे दोबारा कहो, कहते हैं कि दोबारा से वो कहो तो हम क्या बोलेंगे, से इट अगेन, ठीक है, से इट अगेन, इसे दोबारा कहो। हैव पेशेंस, सब्र रखो, हैव पेशेंस मतलब धैर्य रखो या सब्र रखो, किसी से कहने में जल्दी क्यों काट रहे हो, थोड़ा सब्र रखो, यानी हैव पेशेंस। डोंट ग्रम्बलिंग, बड़बड़ाओ मत, बड़बड़ाओ मत, तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डोंट ग्रम्बलिंग, बड़बड़ाओ मत। एंड नो मर्मरिंग, फुसर फुसर नहीं, जो कानों में फुसर फुसर करते हैं उसको बोलेंगे नो मर्मरिंग, दोनों में थोड़ा सा चेंज है। डोंट ग्रम्बलिंग, बड़बड़ाओ मत, एंड नो मर्मरिंग, फुसर फुसर नहीं। ओके, एंड थर्डी हमारा इट्स नथिंग लाइक चैट, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, अक्सर बहुत यूज करते हैं हम ये वाला सेंटेंस, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स नथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स नथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रिंग इट हियर, ब्रिंग इट हियर, इसे यहाँ लाओ, इसे यहाँ लाओ, कहना है किसी को इसे यहाँ लाओ तो हम क्या बोलेंगे, ब्रिंग इट हियर, ब्रिंग इट हियर, इसे यहाँ लाओ। एंड 32 में रिमूव इट फ्रॉम हियर, किसी चीज को कहना है इसे यहाँ से हटा दो, इसे यहाँ से हटा दो तो हम क्या बोलेंगे, रिमूव इट फ्रॉम हियर, इसे यहाँ से हटा दो। रेस्ट अश्योर्ड, भरोसा रखो, ठीक है, किसी से कहना है भरोसा रखो, रेस्ट अश्योर्ड। एंड 34 है डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो, कहना भी मुझे मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी, डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। नेक्स्ट हमारा 35 है डू एज यू विश, डू एज यू विश, जो बना है वो करो, जो भी मन करता है वो करो, तो हम उसको बोलेंगे डू एज यू विश, डू एज यू विश, जो मन में करे, जो इच्छा हो वो करो, तो हम उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डू एज यू विश, जो काम जो मन हो वो करो। बिलीव माई वर्ड्स, बिलीव माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर भरोसा करो, विश्वास करो, बिलीव माई वर्ड्स। एंड वॉट एवर, वॉट एवर, जो भी हो, और शॉर्ट सेंटेंस से वॉट एवर, जो भी हो, अक्सर बोलते जो भी हो, देखा जाएगा नहीं, वॉट एवर। इट्स योर टर्न नाउ, अब तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न नाउ, अब आपकी बारी है, तुम क्या बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे इट्स योर टर्न नाउ, अब तुम्हारी बारी है। एंड डोंट क्रैम या डोंट मकअप या डोंट पैरट, रटो मत, किसी चीज को कहना है भी रटो मत, डोंट क्रैम, डोंट मकअप या डोंट पैरट, कोई सा भी आप इनमें से यूज कर सकते हो। नॉट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर नहीं, ठीक है, क्या कहते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं, नॉट एनी कॉस्ट, ठीक है, कहना है कि मैं तुझे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा अपना बैंक, नॉट एनी कॉस्ट, आई विल नॉट डू माय बैंक, नॉट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर नहीं। दिस इज टू मच, बहुत है, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, मतलब ये बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, आप खाना खा रहे हो, किसी ने आपके लिए कुछ ज्यादा सर्व कर दिया, आप बोलोगे ये तो बहुत है, दिस इज टू मच। एंड 42 में वर्क फुल हार्टली, पूरे दिल से काम करो, किसी से कहना है पूरे दिल से काम करो, वर्क फुल हार्टली। एंड 43 हमारा डोंट फील शाय, शर्म महसूस मत करो, ठीक है, शर्म महसूस मत करो, डोंट फील शाय। कट इट क्रैप, बकवास मत कर, बकवास मत कर, तो हम क्या बोलेंगे, कट इट क्रैप, ओके, कट इट क्रैप, बकवास मत कर। एंड 45 हमारा गो स्टडी नाउ, अक्सर बोलते हैं जाओ पढ़ाई करो, जाओ पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी नाउ, ओके, गो एंड स्टडी नाउ। एंड 46 हमारा दैट्स इनफ, बस काफी है, दैट्स इनफ, बस काफी है। एंड 49 हमारा हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है भाई, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल, हैव अ ब्लास्ट, किसी से कह रहे जाओ खूब मजे करो, गो एंड हैव अ ब्लास्ट, खूब मजे करो तो हैव अ ब्लास्ट, ये तो शॉर्ट सेंटेंस है, आप इसको लॉन्ग बना सकते हो, ठीक है ना, जिस तरह से भी आप सेंटेंस में इसको ऐड करना चाहो कर सकते हैं, जाओ खूब मजे करो, गो एंड हैव अ ब्लास्ट।
उसको कॉपीराइट भी कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।